दोस्तों वैसे तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए प्राइसेस को देख करके हम मोदी गवर्नमेंट को खूब खरी खोटी सुना रहे होते हैं यार, इनके राज में तो 100 रुपए से भी ज्यादा का पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मोदी गवर्नमेंट की टैक्टिक्स की वजह से इंडिया के 40,000 करोड़ रुपए बचने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल देखिए इंडिया में तो खुद का तेल है नहीं, तो यानी कि इंडिया पे करता है सऊदी अरेबिया जैसी दूसरी कंट्रीज को बहुत सारा पैसा और उनसे इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। जब ये तेल यहाँ पर आ जाता है तब उसको एज इट इज यूज नहीं किया जाता, इसमें मिलाया जाता है इथेनॉल जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है गन्ने से। अब पहले जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी तब ये इथेनॉल की मिक्सिंग लगभग 2-3% के आसपास हुआ करती थी। अब इससे काफी सारी जो कॉस्ट होती है वो भी पेट्रोल की नीचे आ जाया करती थी, लेकिन आज की तारीख में ये 3% बढ़ करके हो चुका है लगभग 5%। और इनफैक्ट आने वाले सालों में तो मोदी गवर्नमेंट का टारगेट है कि इथेनॉल की परसेंटेज को बढ़ा करके 20% तक कर देंगे, और इस कारण से इन द लॉन्गर रन हमारी एक तो दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी तेल को लेकर के, और पेट्रोल के प्राइसेस भी थोड़े से कम आ जाएंगे। दोस्तों आपके शहर में इस समय पेट्रोल कितने का मिल रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।